इंतज़ार करते हैं अपने ऑर्डर आने का, कुछ हमें भी खाने को मिले। अब हर किसके घर में सब्जी नहीं बनाए तो बोलता है चलो यही खाना खा लेंगे। ये देखिए लड़की यहाँ आके सुबह सुबह नाश्ता कर रही है, बगल में होटल खुल गया है तो इसको घर में नाश्ता नहीं करना, यहीं आके इडली खा रही है, ठंडा में भी आइसक्रीम खाती है। इन लोग के लिए होटल बहुत बेकार चीज़ हो गया है। यही है गरम गरम मंगोरी। मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। दोस्तों मेरे मोहल्ले में ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलते देखते हैं आज यहाँ क्या क्या है, चाय नाश्ता करा जाए, फैमिली रेस्टोरेंट है। चलिए चलते हैं लजीज रेस्टोरेंट, देखते हैं लजीज का क्या क्या खाना है। नहीं वैसे क्या क्या बनाए भैया नाश्ते में? बड़ा, इडली, गर्मा गर्म पोहा। यही है गरम गरम मंगोरी, चाय और डोसा भी है। मेनू भी देखते हैं एक बार। चाय 15 रुपये ऑल दिन, हल्का फुल्का मेनू, सोडा, सूप एंड नॉनवेज, चिकन सूप। चिकन सूप खाएगी? वेज मेमो, पनीर, पनीर मसाला, पनीर हांडी, राइस, फिश, और आइसक्रीम पार्लर भी है। क्या लेने रहे तुम लोग को? अंबिकापुर रिंग रोड में ही होटल खुला है अभी नया नया, लजीज लजीज रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज दोनों है ना? चलिए ऊपर रेस्टोरेंट देख के आते हैं। भैया ये होटल के ऑनर हैं। हेलो, हाय भैया। चलिए देखते हैं ऊपर से रेस्टोरेंट कैसा है, खाते हैं यहाँ बैठ के आज। बाहर का बालकनी देख सकते हैं, बालकनी से पूरा बहुत ही अच्छा नज़ारा भी दिखता है रिंग रोड का। भैया की शॉप बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी वेज और नॉनवेज की सुविधा भी है, दोनों अलग अलग है। इंतजार करते हैं अपने ऑर्डर आने का, कुछ हमें भी खाने को मिले। अब हनी को देखिए ऑर्डर का इंतजार और भूख से तड़प रहा है, बहुत देर हो गया है इसको, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। नाश्ता आ गया है, अब करते हैं नाश्ता। हनी भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हनी भाई को देखिए अपना खाने में भतीजा को खिला रहा है। भतीजी भतीजी, ये देखिए लड़की यहाँ आके सुबह सुबह नाश्ता कर रही है, बगल में होटल खुल गया है तो इसको घर में नाश्ता नहीं करना, यहीं आके इडली खा रही है, हमें भी आइसक्रीम खाती है। इन लोग के लिए होटल बहुत बेकार चीज़ हो गया है।